नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। कहा जाता है जबकि खेल का नियम बदल जाता है तो हार और जीत का समीकरण बदल जाता है। यही हाल डेलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का होता है जब उसे निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग ने परिसीमन की रिपोर्ट सौंप दी है और इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के क्षेत्र में पहले 37 सीटें थी, वह बढ़ा करके अब 43 हो गई हैं और कश्मीर के क्षेत्र में पहले 46 सीटें थी, वह बढ़कर 47 हो गई हैं। यानी कि कुल 7 सीटें बढ़ी हैं, जिसमें से 6 सीटें जम्मू की तरफ से बढ़ी हैं और मात्र 1 सीटें कश्मीर की तरफ से बढ़ी हैं। और इसको लेकर के जहां भाजपा इसका समर्थन कर रही है, वहीं घाटी की दूसरी पार्टियां भाजपा के अलावा इसके विरोध में खड़ी हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कश्मीर की जानी मानी पत्रकार और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन। तो आपसे पहला सवाल यही होगा कि थोड़ा आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में डेलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का मतलब क्या है और इससे जुड़ी हुई आपत्तियां क्या थी जब इस आयोग को गठित किया गया था। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये पहली बार है कि जो ये एक सेंट्रल लॉ के तहत यहाँ पे डिलिमिटेशन हो रहा है। पहले जितने भी डिलिमिटेशन हुए जम्मू कश्मीर में वो J&K पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंडर हुए। और ऐसा नहीं है जैसे कि पहले जितनी भी डिलिमिटेशन हुई तकरीबन बहुत कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रही, कहीं ना कहीं लोगों के उसमें ऑब्जेक्शंस थे जो वक्तन वफक्तन आते रहे। और जैसे कि पूरे के हिंदुस्तान में भी होता रहा है और ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा सूट करता है या एक पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा सूट करता है। इस किस्म के एलिगेशंस पहले भी सुनने में आए हैं, लेकिन इस बार अक्रॉस द बोर्ड BJP को छोड़कर बाकी जितनी पार्टीज हैं, चाहे वो वादी की हैं चाहे वो जम्मू की हैं। अभी आपने बात किया कि जम्मू की में 6 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और कश्मीर में 1 हुई है, लेकिन जो जम्मू की जो ऑपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस है, पैंथर्स पार्टी है, उन्होंने भी इस पे एतराज कई उठाए हैं कि इसमें फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं। और सबसे पहली चीज तो ये एक कही जा रही है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है ये आउट ऑफ टर्न बना है। एक फ्रीज है, नेशन वाइड एक फ्रीज है डिलिमिटेशन पे 2026 तक। और जम्मू कश्मीर में भी ये जो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन हुई थी 95 में हुई थी और 95 के बाद फिर एक कानून बनाया गया और इसको नेशनल लॉ के तहत एक पैरिटी लाने के लिए 2026 तक कर दी। और जब जिस वक्त लॉजिक ये था कि पॉपुलेशन में थोड़ी पैरिटी आएगी तब तक 2026 तक, तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो उसके तहत क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर इंटेग्रल हिस्सा माना जाता है तो जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन 2026 में ही बनना चाहिए था। ये जम्मू कश्मीर को एक सिंगल आउट किया गया है। दूसरी चीज है कि ये तय करना कि 7 सीटों की बढ़ोतरी होगी जम्मू कश्मीर में आफ्टर लद्दाख को डिसमेंबर कर दिया गया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही प्रोविजन एक डाला गया कि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा और 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो कि एक प्री डिटरमिंड एफर्ट था। कई पार्टियों का ये एतराज भी है कि जब ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जिसकी बिना पे ये कमीशन बना है वो पहले ही चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग्स पेंडिंग है, और जब तक वो हियरिंग्स नहीं हो जाती तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़े किए हैं कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल भी है ये एक्सरसाइज जो हो रही है। तो ये एक बेसिक मुद्दे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा मतलब कि परिसीमन के बारे में, डेलिमिटेशन के बारे में कहा जाता है कि इसके जरिए फिर से चुनावी सीमाओं को बदला जाता है,
विधानसभा के क्षेत्र अलग बनाए जाते हैं फिर से जो पहले थे, और लोकसभा के क्षेत्र भी फिर से निर्धारित किए जाते हैं। तो जो बुनियादी बातें होती हैं कि भौगोलिक नज़दीक होनी चाहिए, प्रशासनिक पहुंच होनी चाहिए, इस तरीके से बनाएं, कुछ इसमें गड़बड़ी ना हो, तो क्या आपको लगता है कि 2011 के सेंसस को लेकर के 2022 में जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें कुछ बुनियादी तौर पे जो कमियां हैं वो किस तरह की कमियां हैं? देखिए, एक तो है सेंसस पे जो ये बेस्ड है, सेंसस काफी देर हो गई, 10 साल से ज्यादा हो गए उस पे ये बेस्ड है। लेकिन ये जो जिस तरह से चला है, आप अगर देखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट आया, सेकंड ड्राफ्ट आया, और उसके बाद थर्ड ड्राफ्ट, एंड देन फाइनल रिपोर्ट आए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उल्टे स्टेप्स लिए गए। पहले होता है अगर कमीशन बनती है, वो पहले ग्राउंड असेसमेंट करेंगे, उसके बाद वो नतीजा तय करेंगे कि कितनी सीटें बढ़ानी है, कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से कहाँ बढ़ानी है, और फिर उसके बाद बाउंड्रीज क्या होंगी। और सबसे विद इन 3 months, 4 months ऑफ द कमीशन टेकिंग ओवर, जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने एक जम्मू कश्मीर, एक बहुत डिफिकल्ट इलाका है, आपको यहाँ की टोपोग्राफी समझनी पड़ेगी, यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफी है यहाँ की, इन सब को स्टडी करने के लिए कुछ चंद महीने, कुछ विजिट्स जो हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, वो काफी नहीं थी ये तय करने के लिए कि स्टेट जो है वो दो एंटिटीज है, 6 सीटें एक रीजन में बढ़ाई जाएंगी, 1 सीट एक रीजन में बढ़ाई जाएगी। और ये किस बिना पे हुआ, पहले 7 सीटें पहले ही डिसाइड किया गया था कि 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसमें से उसका डिवीजन किस तरह से हुआ वो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं हुआ। ज्योग्राफी कितनी स्टडी कर ली थी तब तक, ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जम्मू रीजन की जो आबादी है वो 53 से 54 लाख तक है, जहां पे 6 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, और कश्मीर की वादी में कोई 68 लाख आबादी है, तो ये कोई एक फेयर बैलेंस नहीं लग रहा। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो स्टेट 2 रीजन्स के 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाकर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती है, और तब ये लॉजिक अप्लाई करती है कि ये एक एंटिटी है। डिवाइड करने के टाइम सीट्स को 2 एंटिटीज देखा गया है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़ने में, जिनका कोई तालमेल नहीं है, उनका कल्चरल लिंकेज नहीं है, उनका ज्योग्राफिकल लिंकेज जो है वो वीक है, वो 5-6 महीने कम से कम बंद रहता है कम से कम, और इस साल जो सर्दियां थी उसमें तकरीबन 6 महीने ये रोड जो है वो लिंक रोड बंद रही, और जो मेजर टाउन्स को वो जोड़ती है, एक तरफ से बफलियाज है पुंछ में और दूसरी तरफ शोपियां है, शोपियां जो है वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन उसके आगे के इलाके जो हैं वो रजौरी पुंछ के साथ है। तो ये कहीं से कोई एक लॉजिक समझ नहीं आ रहा जो अप्लाई किया गया है किसी भी चीज को लेकर, और इसको स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है कि किस हद तक जो बाउंड्रीज हैं, कई 70 से 90% जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनको अल्टर कर दिया गया है, कई अलग अलग तरीकों से अल्टर किया गया है, और इसके नतायज क्या होंगे ये जानना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की टोपोग्राफी एक बहुत मुश्किल है, पहाड़ी इलाके हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं वादी है, और इसका एक जब तक एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, कहाँ पे क्या आबादी है, कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक बैलेंस है, हिंदूज कहाँ पे अक्सरियत में है, मुस्लिम कहाँ अक्सरियत में है, ये सब स्टडी करना मुश्किल है इस वक्त। लेकिन बाउंड्रीज को बहुत एक बड़े पैमाने पे अल्टरेशंस की गई। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तकरीबन 68% जो उसकी आबादी है मुस्लिम है, कश्मीर में तो 90% से ज्यादा है, और आपने आर्टिकल 14 के अपने लेख में जिक्र किया है कि इस तरीके से परिवर्तन किया गया है
कि तकरीबन जो 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र है वहां का मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम हो जाए। थोड़ा इसको उदाहरण के साथ कुछ बताएंगे आप? देखिए, जैसे मुस्लिम होमोजेनिटी जो है विद इन जम्मू रीजन, उसको खत्म करने की कोशिश ऐसा लगता है की गई है। जैसे कुछ इलाके हैं जहां पर चिनैनी की एक जैसे मसलन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके साथ नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है रामनगर की, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये इलाके पड़ते हैं, तो वो चिनैनी के कुछ एरियाज जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन, और एसटी पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम है, गुज्जर और बकरवाल है, वो एसटी पॉपुलेशन जो है रामनगर के साथ जोड़ी गई है, उसके आसपास के इलाके जो है वो चिनैनी में है, तो एक ज्योग्राफिकल लिंक नहीं है, एक रोड लिंक नहीं है। और कई इलाके अगर आप देखें तो अगर आप वो जस्टिफाई कोई करना चाहे, बहुत सारी चीजें जस्टिफाई कर सकता है, मतलब जैसे रजौरी पुंछ और शुपियां, ये कश्मीर अनंतनाग का को जोड़ने का मैंने बताया, अगर आप मैप देखेंगे, एक फ्लैट मैप होता है, एक फ्लैट मैप नजर आएगा आपको पेपर पे, और आप देखेंगे कि रजौरी पुंछ, हाँ जी ये तो बहुत पास है अनंतनाग के, लेकिन वो पास नहीं है क्योंकि ज्योग्राफिकल रोड लिंक नहीं है, रोड लिंक एक प्रॉपर नहीं है, उसके अलावा कल्चरल लिंक वगैरह नहीं है। तो ऐसा ही छोटी छोटी हर जगह में ये चीजें हैं। एक मसलन मैं और दूंगी सर, जैसे एक डोडा किश्तवाड़ के का जो इलाका है जिसको हम चनाब वैली कहते हैं, वहां पर जो डेमोग्राफिक बैलेंस है बहुत डेलिकेट है, 45% हिंदूज हैं और 55% मुस्लिम्स, और अक्रॉस दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स एक यूनिफॉर्म इसी तरह से बैलेंस है, कुछ गांव में मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है, कुछ गांव में या टाउन्स में हिंदू की आबादी ज्यादा है, और ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन स्लाइट ऑल्टरेशंस इन फ्यू पॉकेट्स कैन टिल्ट द बैलेंस, वो बैलेंस जो है किसी एक के फेवर में कर सकती हैं। अब वो किस तरह से किया गया है इसको स्टडी करने की जरूरत है। रजौरी पुंछ में आपका जो एसटी पॉपुलेशन है हमारी अक्रॉस जम्मू रीजन भी है और कश्मीर में भी है, अगर 9 सीट्स रिजर्व की गई हैं तो 6 सीटें जम्मू में एसटी पॉपुलेशन की, और क्योंकि ये कोशिश की गई है कि एसटीज को बाकी मुस्लिम से अलग किया जाए, लेकिन ये भी सही है कि एसटीज जो हैं बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी है, इनका एक नोमैडिक एग्जिस्टेंस रहता है, ये एक जगह पे नहीं रहते, एफ्लुएंट सेक्शंस को आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेजॉरिटी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज हैं वो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, और उनकी अलग से एस्पिरेशंस और डिमांड्स रही हैं काफी देर से। तो 9 सीटें जो अगर उनको 6 सीटें मिलती हैं यहाँ पे, उसमें से 4 सीटें रजौरी पुंछ की बेल्ट में, और जिसका मतलब है, मतलब रजौरी में कुछ एरियाज, रजौरी डिस्ट्रिक्ट्स में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे हिंदूज मेजोरिटी में है, बाकी आपने एसटी डिक्लेयर कर दी। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 2 एसटी डिक्लेयर हो गई, तो उसमें नॉन एसटी पॉपुलेशन जो खासतौर पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अनरिप्रेजेंटेड फील कर रही है। तो इस किस्म की चीजें की गई हैं कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम होमोजेनिटी को ब्रेक करने की कोशिश भी की गई। और कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटों का मनोयन किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो ये सब जो चीजें हैं ये रिपोर्ट में नहीं आई, इंटरेस्टिंग चीज ये है, कश्मीरी पंडित का रिप्रेजेंटेशन जिसमें कहा गया है 2 सीटें उनको मिलेंगी, उनमें से एक महिला रहेगी, और दूसरा ये भी कहा गया है कि हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, और ये बयान में किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमीशन ने कहा है कि हमने गवर्नमेंट को ये भी सजेस्ट किया है कि जो डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रेफ्यूजीज हैं, उनको भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन मिला जाए।
एक चीज तो ये कि पहले जो असेंबली थी उसमें दो नॉमिनेटेड सीट्स होती थी, वो महिलाओं के लिए रिजर्व थी। अब इन्होंने महिलाओं के लिए एक कर दी, वो भी सिर्फ कश्मीरी पंडित कर दी। वो जो पहले जो दो सीटें रिजर्व थी उनके पास वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे, वो बिल्स पे वोट कर सकते थे लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन पे नहीं वोट कर सकते थे, बिकॉज वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, वो नॉमिनेटेड थे। या अब एक मिनट राइट जी एक मिनट, यानी कि आप कह रही हैं कि नॉमिनेटेड मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करेगी? करता है ना कि कौन पावर में है। अच्छा, ठीक, लेकिन वो चुन कर नहीं टेक्निकली आएंगे। JNK गवर्नमेंट नॉमिनेट करती, लेकिन हालांकि इसको भी ओपन एंडेड रखा गया है, अभी इसलिए पता नहीं है। ये आपने सवाल बड़ा सही उठाया कि ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कौन सी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। कोई ना कोई सरकार नॉमिनेट करेगी, चाहे वो JNK गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन देखने वाली चीज ये है कि इनके पास फुल पावर्स होंगे फॉर वोटिंग, दे विल हैव फुल वोटिंग राइट्स, दैट मींस कॉन्फिडेंस मोशन है या कहीं उनकी भी गिनती, मतलब 90 से 92 MLAs दैट मींस हो जाएंगे। उसके अलावा ओपन एंडेड ये भी रखा गया है कि डिस्प्लेस जो पीओ के रेफ्यूजीज हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो ये नंबर्स जो हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि ये एक रिटर्न में नहीं है, ये किसी ड्राफ्ट में नहीं आया, ये फाइनल रिपोर्ट में नहीं आया, ये एक इस तरह से लगता है जैसे लीवर दे दिया गया है गवर्नमेंट को कि वो तय करे कितनी सीट्स और बढ़ानी है, किस किस को और रिप्रेजेंटेशन देनी है और उनको क्या राइट्स मिलने चाहिए क्या नहीं मिलने चाहिए उन नॉमिनेटेड मेंबर्स को। तो अभी ये इसका जहां नंबर वहां कम हो जाए तो यहाँ पे बढ़ा दें, तो एक जनता ने मतलब कि वहां के लोगों ने, हमें तो खबरों का अंदाजा नहीं लगता है क्योंकि इस तरह की प्रेस की स्थिति हो गई है, इस पे कैसी प्रतिक्रिया दी है इस परिसीमन रिपोर्ट पे, जो वहां के बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो सोचते समझते हैं? देखिए पहले शुरू में कुछ रिपोर्ट्स आई, कई रिपोर्ट्स आई, खासतौर पे कश्मीर की वादी में बहुत रिएक्शन था मीडिया का जब 6 सीटें जम्मू रीजन की बढ़ाई गई और 1 सीट कश्मीर वादी की, और इस पे काफी लिखा गया, उस पे रिपोर्ट्स भी आई, उस पे कमेंट भी आए पीसेस, और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस पे रिएक्ट किया। लेकिन आज आप देखते हैं तकरीबन तकरीबन खामोशी है। क्या वो लोग बोल चुके हैं जो वो सब बोलना था, या एक डर का माहौल मसलसल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर की वादी में, कि लोग डरने से कतराते हैं, या ये है कि एक चीज मैं कहूंगी कि अक्सर ये देखा जाता है जब लोग चुप हो जाते हैं और लोग बोलते नहीं हैं, लोग अपनी ग्रीवेंसेस तक नहीं बोलते या अपनी खुशी का इजहार भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनका कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कम हो गया और वीक हो गया है। तो एक ये तरह का कटाव है। सीन नहीं है। और वो लोग जो मतलब कि बहुत लंबे समय पॉलिटिक्स करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना धाकड़ अपनी धाकड़ मौजूदगी जता चुके होते हैं, जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलती है तो उनको तो बहुत असर पड़ता होगा। उन्होंने कैसी प्रतिक्रियाएं दी? जी देखिए, अब बिल्कुल, आप एक सेकेंड, एक ड्राफ्ट आया था जिसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ जम्मू के साथ ही लगते हैं एरियाज, RSपुरा और सुचेतगढ़, जिसमें से एक पहले ही SC कॉन्स्टिट्यूएंसी थी RSपुरा। उन्होंने यहाँ पे पहले रोटेशनल बेसिस पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 7 अब भी हैं, पर पहले जो कानून थे उसके मुताबिक 25 साल तक ये रोटेशन चलेगी। तो अब 25 साल हो गए थे, 95 में ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी थी, SC कॉन्स्टिट्यूएंसीज, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अब वो रोटेशन जाके वो दूसरी जगह शिफ्ट होनी थी कहीं, तो उन्होंने RSपुरा और सुचेतगढ़ को मिला दिया और दोनों को मतलब वो SC कॉन्स्टिट्यूएंसीज करार कर दी गई, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के जम्मू के इलाके के साथ मिला दिया गया।
तो जब शोर पड़ा, शोर, और शोर सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज का नहीं था, बीजेपी का भी था। बीजेपी के कुछ एक्टिविस्ट ने थ्रेटन किया वो रिजाइन करेंगे, और क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो उनको नर्चर कर रहे थे कई सालों से, और उनका ये, उनकी उम्मीद जिस पे बंधी हुई थी आरएसपुरा के लोगों की, कि यहाँ से एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी हटके कहीं और जाएगी, तो अब हमारी हमारा चांस है नॉन एससी पॉपुलेशन का। उस पे काफी एतराज जब उठे तो उसमें एक तब्दीली लाई। मेरा ख्याल है ड्राफ्ट्स में बहुत कम तब्दीलियां हुई हैं, एक कुछ नामों को लेके हुई, उसके बाद वो भी कई क्वार्टर्स से आई जिसमें बीजेपी के भी लोग शामिल थे, उनकी ऑब्जेक्शंस या नाम को लेके थी, या ये शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके थी, आरएसपुरा सुचेतगढ़ वाली, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दोबारा बना दी गई। सैद्धांतिक तौर पर कहा जाए तो डिलिमिटेशन का मतलब यही है कि मतलब सबकी भागीदारी हो पाए और सुनिश्चित हो पाए जो भी समुदाय वहां पर हैं। तो क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि एक तरह का ऐसा पैटर्न दिखता है कि एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया है? तो क्या ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, जम्मू में ओवरऑल तो हिंदू मेजोरिटी, लेकिन सिर्फ चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी, एक सब्सटेंशियल हिंदू मेजोरिटी, और एक डिस्ट्रिक्ट है पांचवी रियासी की, जहाँ पे तकरीबन 50-50% हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कि बहुत सारी जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी कार्व आउट करी जा रही हैं जहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिवीजन है वो बहुत डेलिकेट है, नाजुक है, तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता है। वहाँ पर एक मुस्लिम एक हिंदू रिप्रेजेंटेटिव लाने की कोशिश की गई है कहा जा सकता है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पे एसटी फैक्टर को प्ले किया जा रहा है, एक मुस्लिम होमोजेनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की गई है। आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ही ले लीजिए, जो जम्मू पुंछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, जम्मू के मेजोरिटी एरियाज, रजौरी पुंछ का जो बॉर्डर इलाका है, और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस के साथ खेलना उसके डेंजरस नतायज हो सकते हैं। उन लोगों को मिलाकर कश्मीर के इलाके के साथ रख दिया है, अगर वहां के लोग कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीर के लोग रजौरी पुंछ के लोग या पहाड़ी बोलते हैं या गोजरी बोलते हैं। अब एक तो ना लैंग्वेज का तालमेल है ना कल्चर का तालमेल है, और पहले वो कहते थे रजौरी पुंछ के लोग कि हमको जम्मू डोमिनेशन सफर करनी पड़ती, ज्यादातर यहाँ से जो एमपीज गए वो जम्मू इलाके से गए, या हिंदू गए बट मुस्लिम्स भी गए, लेकिन ज्यादातर जम्मू के इलाके के हिंदू गए। अब उनको शायद ये डर है कि कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन के अंडर वो आएंगे, या ये पॉसिबिलिटी है कि जब जहां 3 जगह वोट डिवाइड होंगे, कश्मीरी मुस्लिम्स और पहाड़ी मुस्लिम्स, जो नॉन एसटी पॉपुलेशन है उसको पहाड़ीज कहते हैं, और पहाड़ीज में हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, पहाड़ी मुस्लिम्स और गुज्जर बकरवाल, ये 3 जगह जब मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, क्या उसमें हिंदू जो बहुत माइनॉरिटी में हैं क्या वो बेनिफिट कर सकते? आपसे सबसे अंतिम सवाल जो मैं ना पूछ पाया हूं उत्तर भारत के होने के नाते, और अगर आप कुछ बताना चाहती हूं तो बता सकती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है काफी कवर हो गया है। बाकी मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह से काटा गया है, किस तरह से स्लाइस किया गया, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर आप सिर्फ मैप देखेंगे, एक विलेज लेवल मैप भी अगर आप देखेंगे, तो आप अंदाजा लगाना आपको बहुत मुश्किल है, और अगर आप उन इलाकों का सेंसस को भी स्टडी करेंगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि
ज्योग्राफी, जो कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है यहाँ की, उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया हमसे इतनी गंभीर चर्चा करने के लिए, इतने सरल अंदाज में शुक्रिया। ये थी जम्मू कश्मीर परिसीमन पर हमारी बातचीत अनुराधा भाषिन के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, न्यूज़ क्लिक फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।